नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप हिमाचल प्रदेश में एक एडवेंचर टूर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ ऑफबीट प्लेसेस की ओर, जो कि है मैक्लोडगंज, बीड बिलिंग, तीर्थन वैली, जीबी, सैंज वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत एडवेंचर प्लेसेस हैं। और इन सभी प्लेसेस को घूमने के लिए हमने एक ट्रैवल पैकेज बुक किया है। अब वो ट्रैवल पैकेज कितने का हमें पड़ा, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं हिमाचल प्रदेश के इन ऑफबीट प्लेसेस को। इस टूर के दौरान जिन स्थानों को हम घूमेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे मैक्लोडगंज को, जो कि धर्मशाला का एक उपनगर है, जहां से पहाड़ों के बेहद खूबसूरत नज़ारे नजर आते हैं। मैक्लोडगंज के बाद हम चलेंगे पालमपुर टी गार्डन से होते हुए बीड बिलिंग के लिए, जहां पर हम करेंगे पैराग्लाइडिंग दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पैराग्लाइडिंग साइट से। और फिर पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम चलेंगे बंगोरू वाटरफॉल के लिए, जहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद ही एडवेंचरस है। बंगोरू वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद हम चलेंगे बीड बिलिंग से आगे बढ़ते हुए जीबी तीर्थन वैली के लिए, जहां पर सबसे पहले हम देखेंगे जीबी वाटरफॉल को, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। जीबी वाटरफॉल के बाद हम चलेंगे मिनी थाईलैंड के लिए, जहां पर पहुंचकर ऐसा लगता है कि मानो हम थाईलैंड में आ चुके हैं। मिनी थाईलैंड के बाद हम चलेंगे जालोरी पास के लिए, जो कि लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान है, जहां से पहाड़ों का एक पैनोरामिक व्यू नजर आता है। जालोरी पास से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे गुशैणी विलेज के लिए, जो कि एक खूबसूरत स्थान है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का मुख्य एंट्री गेट माना जाता है। फिर यहां से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे चोई वाटरफॉल के लिए, जहां तक पहुंचने का रास्ता बड़ा ही रोमांचक है। फिर अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे सैंज वैली के लिए, जहां पर हम एक्सप्लोर करेंगे शांगड़, जो कि एक रमणीय स्थान है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस टूर के दौरान और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हमारे इस ट्रिप का पहला दिन, हम पहुंच चुके हैं पठानकोट, और पठानकोट हम पहुंचे हैं बाय ट्रेन। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बस से भी पहुंच सकते हैं। और जब आप पठानकोट पहुंच जाते हैं तो यहीं से हमारे एक्चुअल टूर पैकेज की शुरुआत होती है। अब हमें लेने आ चुकी है गाड़ी, जो कि हमारे पैकेज में शामिल है, और अब इसी गाड़ी के थ्रू हम अपनी जर्नी को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। जो सबसे पहला डेस्टिनेशन हम कवर करने वाले हैं वो है बीड बिलिंग। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले हम नाइट स्टे करेंगे मैक्लोडगंज में, और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे। पठानकोट से मैक्लोडगंज पहुँचने का डिस्टेंस लगभग 90 किलोमीटर्स का है, जिसे पार करने में हमें लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। लेकिन इस पूरे रास्ते में हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य नजर आता है। तो अब काफी खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज, जो कि धर्मशाला का एक उपनगर है, और ये जगह टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस जगह को फेमस बनाता है मैक्लोडगंज का ये स्क्वायर, जो कि अभी हम जहां पर खड़े हुए हैं, और यहां से दिखने वाले नज़ारे जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहां से स्नो माउंटेन्स का बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। तो मैक्लोडगंज के माउंटेन व्यू को देखने से पहले मैं आपको मैक्लोडगंज मार्केट दिखाना चाहूँगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और इसे तिब्बतियन मार्केट के नाम से जाना जाता है। बिकॉज़ यहाँ पर जो आपको ट्रेडिशनल चीज़ें नज़र आएंगी वो तिब्बतियन कल्चर से रिलेटेड नज़र आएगी। यहाँ पर मार्केट में ही एक तिब्बतियन मॉनेस्ट्री भी है, जिसे भी आप देख सकते हैं, और तिब्बतियन मॉनेस्ट्री की बेल्स भी यहाँ लगी हुई हैं। और इसी पूरे एरिया में आपको मोमोज़ काफ़ी फेमस नज़र आएंगे, क्योंकि आपको बहुत जगह छोटे छोटे स्टॉल्स नज़र आएंगे मोमोज़ के, जो कि एक्चुअल में बहुत टेस्टी हैं। हमने भी ट्राई किया, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन यहाँ के जो टूरिस्ट हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उन्हें मोमोज़ का फ्लेवर कैसा लग रहा है।
सर आप बताना चाहेंगे कैसा लग रहा है? काफी अच्छे हैं मोमोज। मोमोज काफी अच्छे हैं। हाँ जी, गरम। मतलब कुछ आपको स्पेशलिटी लग रही है कुछ, मतलब कुछ दूसरी जगह से? हम चंडीगढ़ से आए हैं, वहाँ के मोमोज थोड़े ज्यादा फीलिंग ज्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी फीलिंग कम है। फीलिंग कम है लेकिन टेस्ट वाइज ज्यादा बेटर लग रहा है। थैंक यू। और ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये तिब्बतियन मार्केट है, इसमें काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारे शॉप्स हैं। यहाँ पे अगर आप तिब्बतियन कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। अभी हम एक शॉप के आगे खड़े हुए हैं जहाँ पर लिखा है मेन मार्केट मैक्लॉडगंज धर्मशाला, और ये एक तिब्बतियन शॉप है, जैसे कि तिब्बतियन लैंग्वेज में भी आपको दिख रहा होगा। और ये जो शॉप पे आप चीज़ें देख सकते हैं, ये सारी तिब्बतन कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो अगर आप चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं। मैक्लॉडगंज में अब जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, उस होटल का मैं आपको रूम टूर देना चाहूँगा जहाँ हम रुकने वाले हैं। ये रूम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लग्जीरियस है। आप देख पाएंगे रूम बहुत नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं जो कि आपको एक रूम में मिलती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस रूम का जो टॉयलेट एरिया है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है और काफ़ी साफ़ है। और इस इलाके में जैसे कि ठंड पड़ती है तो गीज़र वगैरह की जो फैसिलिटीज़ है वो भी आपको मिल जाएंगी। तो अब हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब हम आ चुके हैं अपने होटल के डाइनिंग हॉल एरिया में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डिनर और ब्रेकफास्ट हमारे टूर पैकेज में शामिल हैं। अब सवेरा हो चुका है और अब आपको मैं हमारी होटल से दिखने वाला बालकनी व्यू दिखाना चाहूँगा, जो कि रात को तो नज़र नहीं आ रहा था लेकिन सवेरा होते ही ये बहुत ही खूबसूरत सा माउंटेन व्यू है जो कि हमारी बालकनी से नज़र आता है। यहाँ पहाड़ों के टॉप पर देखेंगे तो अभी भी कहीं ना कहीं स्नो हमें नज़र आएगी। स्नो ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिस पर स्नो वाइट कलर की आपको नज़र आएगी। और ये सन की रेज डायरेक्टली जब माउंटेन्स पे गिरती है तो माउंटेन्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और अभी हमारे साथ एक मैम भी हैं, यहीं पास में स्टे कराया उन्होंने। द मैम कम फ्रॉम कनाडा, मैम कनाडा से आई। और मैम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस प्लेस? ओह, इट्स जस्ट मैजेस्टिक, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट लाइक वाओ, ब्रेथटेकिंग। You enjoying this place? I do. And this morning is magic. Yeah. Yeah, what a beautiful weather. थैंक यू मैम। तो आज है हमारे ट्रिप का दूसरा दिन और अब हम चल रहे हैं मैक्लॉडगंज से बीड़ बिलिंग के लिए, जो कि पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत मशहूर है। बीड़ बिलिंग का डिस्टेंस मैक्लॉडगंज से लगभग 70 किलोमीटर्स का है और इस रास्ते के बीच में कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस भी पड़ते हैं जिन्हें भी देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मैक्लॉडगंज से बीड़ बिलिंग जाने वाले रास्ते पर आते हैं पालमपुर टी गार्डन्स, यानी कि ये खेत हैं चाय के बागान हैं जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर बनाए गए हैं। और यहाँ ये जो पौधे आप देख रहे हैं स्लाइन से, ये सभी चाय के पौधे हैं। जो हम घर में रोज़ डेली चाय पीते हैं वो कुछ इस तरह से उगाई जाती हैं, कुछ इस तरह की पत्तियाँ होती हैं इसकी और इन्हें सुखाकर चाय बनाई जाती है। पालमपुर टी गार्डन्स में आप नेचुरल ब्यूटी का तो मज़ा ले ही सकते हैं लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट भी है जहाँ पर आप अच्छे खासे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। पालमपुर टी गार्डन्स के बाहर ही आपको कुछ स्टॉल्स नज़र आएंगे जहाँ पर चाय मिलती है और ये चाय इसी गार्डन से बनाकर यहाँ पर बेची जाती है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से फ्रेश चाय भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बीड़ बिलिंग जाते वक्त रास्ते में एक और प्रसिद्ध स्थान पर अब हम पहुंच चुके हैं जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये मंदिर है बैजनाथ टेम्पल, जो कि भगवान शिव का एक मंदिर है। और इस मंदिर के इम्पोर्टेंस के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मंदिर में भगवान के दर्शन भी अभी हम करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि आखिर ये मंदिर इतना ख़ास क्यों है। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर के पीछे मान्यता ये है कि जो ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है वो रावण द्वारा लाया गया था। इसके पीछे कहानी ये है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या की और अपने शीश भगवान शिव को अर्पित कर दिए और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को अमृतत्व का वरदान दिया। अमृतत्व का वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने भगवान शिव से एक और रिक्वेस्ट की कि भगवान शिव उनके साथ लंका चलें।
और भगवान शिव ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और रावण को बोला कि मैं लिंग रूप में यहाँ प्रकट होऊंगा और आप मुझे लिंग रूप में लंका ले जाइए, लेकिन शर्त यह है कि लिंग को आप कहीं पर भी रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर कहीं भी रखा तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। तो रावण ने इस रिक्वेस्ट को और इस शर्त को माना और लंका की ओर चलने लगा। और चलते चलते रावण हिमाचल प्रदेश के एक स्थान पर पहुंचा जो कि है बैजनाथ, और यहाँ उसे एक चरवाहा नज़र आया और चरवाहे को रावण ने उस शिवलिंग को पकड़ा दिया और बोला कि इसे पकड़ के रखना, इसे ज़मीन पर मत रखना, और रावण लघु शंका के लिए चले गए। और फिर हुआ ये कि जो चरवाहा था वो चरवाहा कोई और नहीं भगवान गणेश जी थे, जो कि चरवाहे के रूप में आए थे, जिन्होंने शिवलिंग को पकड़े नहीं रखा, उसे वहीं पर रख दिया और तभी से यहाँ पर बैजनाथ मंदिर की स्थापना हुई और भगवान शिव यहीं पर विराजमान हुए। लेकिन रावण उस शिवलिंग को आगे की ओर नहीं ले जा पाया, जो भगवान शिव ने कहा था कि शिवलिंग को कहीं नहीं रखना है, तो शिवलिंग यहीं रह गया और यहीं पर मंदिर का निर्माण हुआ। तो अब काफ़ी खूबसूरत रास्ते को पार करके हम पहुंच चुके हैं बीड बिलिंग, जो कि दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट है, जहां से हम सबसे पहले तो पैराग्लाइडिंग करने चलेंगे और फिर एक वाटरफॉल को देखेंगे जो कि यहां का बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे बोलने में तो हम बीड बिलिंग एक साथ ही बोल देते हैं, लेकिन बीड और बिलिंग दो अलग अलग स्थान हैं। बीड का डिस्टेंस बिलिंग से लगभग 15 किलोमीटर्स का है। बिलिंग वो स्थान है जहाँ से पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ किया जाता है, और बीड वो स्थान है जहाँ पर है पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग साइट, यानी कि जहाँ पर ग्लाइडर आके उतरते हैं। और बीड में ही कई सारे पैराग्लाइडिंग बुकिंग ऑफिसेज हैं जहाँ से आप पैराग्लाइडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हैं। तो अब हमने पैराग्लाइडिंग के लिए बुकिंग करा लिया है और हमें एक सेपरेट व्हीकल दिया गया है, जहाँ से हमने ये बुकिंग कराई उन्हीं की तरफ से एक व्हीकल दिया जाता है जो कि आपको लेकर जाता है बिलिंग के लिए, जो कि एक हाइट पर स्थान है जहाँ से हम पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ करेंगे। और एक एडिशनल जानकारी देना चाहूँगा, जो हमारे पैराग्लाइडिंग पायलट्स होते हैं वो हमारे साथ सेम व्हीकल में बिलिंग तक जाते हैं अपने पैराग्लाइडिंग किट के साथ। तो अब हम पहुंच चुके हैं पैराग्लाइडिंग साइट पर, जहां से अब हम टेक ऑफ करेंगे पैराग्लाइड्स के साथ, और अभी इन पैराशूट्स को रेडी किया जा रहा है। तो अब हम टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुके हैं, फॉग काफ़ी हद तक हट चुका है, और यहां से रन करना होता है सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क। कि पैराग्लाइडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपको रन करते हुए रुकना नहीं है, ताकि आप ग्लाइड करते हुए नीचे की ओर जा सकें। पीछे क्यों खींच रहा है ये? वाओ! तो हम ग्लाइड करते करते ऊपर पहुंच रहे हैं। या तो हमारा टेक ऑफ हो चुका है और ग्लाइड करते हुए हम वादियों के बीच में चल रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता है इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। आप सीधे चलाओ यार, ऐसे में डर लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। डर थोड़ा सा आपको हल्का सा टेक ऑफ के टाइम पे लगेगा, और जब आप थोड़ा बहुत इसको इस तरह से हिलता हुआ देखेंगे तो आपको डर लगेगा, अदरवाइज डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी। हाँ, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं आप। हमारे साथ देख पाएंगे काफ़ी सारे बादल हैं जो नीचे हैं, और हम बादलों के ऊपर आ चुके हैं। नीचे से एक अलग व्यू दिखता है, लेकिन अगर आप आसमान के ऊपर आएंगे तो एक अलग व्यू आपको नज़र आएगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है। फॉग के अंदर जा रहे हैं। ओके, अभी जो हम पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं इसके चार्जेस हमारे लगे हैं 3,000 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से, लेकिन ये चार्जेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं सीजन के हिसाब से। तो अब हम फॉग के अंदर आ चुके हैं, पूरा बादलों के अंदर कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। वैसे कोहरा नहीं, बादल हैं, और हम इतनी हाइट पे उड़ रहे हैं कि बादल हमसे काफी करीब होकर गुजर रहे हैं। काफी अच्छा फील हो रहा है, ऊपर सन है पर दिखाई प्रॉपर नहीं दे रहा क्योंकि फॉग है काफी ज्यादा।
और सर आपको कितने साल हो चुके हैं करते हुए? 7 साल हो गए। और जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे मुझे अभी फर्स्ट टाइम में ज़्यादा डर तो लगा नहीं, लेकिन अगर आपने जब पहली बार करा था ये फ्लाइट तो आपको कैसा अनुभव रहा था उस टाइम पे? बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा मज़ा आया था इसमें। मज़ा आया और मतलब डर लगा आपको क्या पहली बार? थोड़ा सा हल्का सा डर रहता है, थोड़ा सा। सोलो करते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है। अच्छा, आपने सोलो किया था? मतलब सोलो से करनी पड़ती है हमें। ओके, मतलब आपने ऐसे पायलट के साथ नहीं किया था? जैसे आप अभी हमारे पायलट हैं तो आपने पायलट के साथ नहीं किया था ये? अच्छा, पापा मेरे पीछे आ रहे हैं। पापा का ग्लाइडर पीछे की साइड है, यहाँ से दिख पा रहे हैं। ये पापा का ग्लाइडर और कुछ और ग्लाइडर्स भी हैं आसमान में। काफ़ी अच्छा अनुभव है, नीचे का नज़ारा एक ड्रोन व्यू आप अपनी आँखों से देख सकेंगे। मतलब जो ड्रोन उड़ा के जो फुटेजेस हम देखते हैं अक्सर, वो व्यू आप पैराग्लाइडिंग के दौरान देख सकते हैं और बहुत अमेजिंग व्यू है। डर तो आपको लगेगा ही नहीं, अगर थोड़ा सा ऊपर हाइट का फोबिया है तो ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत डर लगे, लेकिन मुश्किल ये है कि डर लगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट है। और ये पैराग्लाइडिंग करते वक्त सर कितना टाइम लगता है नीचे आने में? 15-20 मिनट। लैंडिंग के टाइम पे इस तरह से पैर ऊपर रखने होते हैं, तो हमने ऊपर कर लिया है। ओह, लैंडिंग करते हुए काफ़ी करीब चल रहा है। ओके ठीक है, ओके बहुत बढ़िया राइड थी, बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया। नहीं, एक्चुअल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा और काफ़ी इन्जॉय किया। ऊपर से जो व्यू दिखता है वो बर्ड आई व्यू काफ़ी अमेजिंग था। तो पैराग्लाइडिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस लेने के बाद हम आ चुके हैं बीड बिलिंग के वाटरफॉल को देखने, और यहाँ दो वाटरफॉल हैं जो कि फेमस हैं। पहला तो गुनहेर वाटरफॉल और दूसरा है बंगोरू वाटरफॉल, और जिन्हें हम देखने जा रहे हैं। लेकिन ये जो रास्ता है काफ़ी ट्रैकिंग वाला है और एडवेंचरस ट्रैक होता है, हमें पानी में चलते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। इसके लिए यहाँ पर कुछ लोकल गाइड्स मिलते हैं जिन्हें हमें साथ में लेना होता है, क्योंकि रास्ता कैसा है, थोड़ा ख़राब सा है, थोड़ा एडवेंचरस है, रॉक्स हैं और थोड़ी चिकनी मतलब स्लिपरी वगैरह। तो अगर आपको इस चीज़ में चलने की आदत नहीं है तो गाइड लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जिस वाटरफॉल के सामने हम खड़े हैं, ये है गुनहेर वाटरफॉल, जो कि 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आपको यहाँ से नीचे से थोड़ा ही दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर देखिए ये वाटरफॉल वहाँ से आ रहा है। 100 फीट की ऊंचाई से ये वाटरफॉल गिरता है, जो कि पहले आ जाता है। इसके बाद जो बांगरू वाटरफॉल है उसके लिए हमें थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, लेकिन ये वाटरफॉल पहले ही आ जाता है और काफ़ी बड़ा और काफ़ी अमेजिंग वाटरफॉल है। इसके साथ अगर आप कुछ पिक्चर्स लेते हैं तो बहुत अच्छी मेमोरी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, यहाँ बैठ के कुछ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखेंगे बांगरू वाटरफॉल, जो कि एक हिडन वाटरफॉल है। तो अब ट्रैक करते करते एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण में हम पहुँच चुके हैं, जहाँ टोटली ग्रीनरी नज़र आ रही है। और इस ग्रीनरी से होते हुए हम जाएंगे फॉल के लिए। काफ़ी एडवेंचरस रास्ता है, काफ़ी अमेजिंग है, और आप हमारे साथ चलते चलिए। मैं आपको पूरा वे दिखाना चाहूँगा कि आखिर ये कितना खूबसूरत रास्ता है। अगर आप बीड बिलिंग आते हैं तो पैराग्लाइडिंग के अलावा आपको इस स्थान पर ज़रूर आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सेफली संभल कर, बिकॉज रास्ता जो है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ भी है और रास्ता बना नहीं है। यहाँ पर इस तरह से आप देख भी पाएंगे, झाड़ियाँ जो हैं साइड में हैं, लेकिन ये जो बीच में रास्ता बना है सिर्फ पैदल चलने का रास्ता है, एक तरह की पगडंडी है। थोड़ा बच के चलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की साइड देखेंगे आप तो रिवर का पानी फ्लो होता हुआ आ रहा है, और हम यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इस खूबसूरत वादी से आगे बढ़ते हुए हम बढ़ रहे हैं वाटरफॉल के लिए, लेकिन काफ़ी एडवेंचरस टास्क है ये करना, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अब इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए ट्रैक करना है हमको, ये पूरा पानी वाला रास्ता है जिससे आगे बढ़ना है। दूसरा यहाँ काफी गहरा है यहाँ तो। तो फाइनली हम बंगोरू वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल का नज़ारा है,
लेकिन इस वाटरफॉल से भी ज़्यादा इसका जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही एडवेंचरस है। लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, और स्लिपरी इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल का हैंड नहीं पकड़ेंगे, हाथ नहीं पकड़ेंगे, तो फिसल के नीचे जा सकते। मुझे एक साथ एक बार हुआ ऐसा कि थोड़ा पैर में लगी है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। इस जगह आपको ज़रूर आना चाहिए। बीड बिलिंग अगर विजिट कर रहे हैं, ये जगह मिस कर दी तो कुछ आपने देखा नहीं। गाइड चार्जेस की अगर बात करूँ तो पर गाइड का 300 रुपीज़ चार्ज लगा है, लेकिन अगर आप बड़े ग्रुप में आते हैं या ज़्यादा मेंबर्स आते हैं तो ये चार्जेस थोड़े कम भी हो सकते हैं। बीड बिलिंग में कई सारी मोनेस्ट्रीज भी हैं जिन्हें भी आप देख सकते हैं। इनमें से प्रमुख हैं चौकलिंग मोनेस्ट्री, सेरिंगजोंग मोनेस्ट्री, शरबलिंग मोनेस्ट्री, नियांगयांग मोनेस्ट्री, और भी कई सारी हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। मोनेस्ट्रीज में आप बौद्धिज्म कल्चर से रूबरू हो सकते हैं और बौद्धिज्म ट्रेडिशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कई मोनेस्ट्रीज के अंदर कई सारे डॉग्स हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो उनसे हमें सावधान रहना होता है, क्योंकि बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो फाइनली अब हम जीबी में पहुंच चुके हैं और यहाँ रात हो चुकी है, और मैं आपको अपना होटल रूम दिखाना चाहूँगा जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। ये होटल रूम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर भी है, और ये रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है। थोड़ा सा मैं आपको टॉयलेट एरिया भी दिखाना चाहूँगा इस रूम का। ये टॉयलेट एरिया भी काफ़ी बड़ा है, ये तो बाथरूम एरिया हो गया इसका, और ये है टॉयलेट एरिया जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है। मतलब एक अच्छी लोकेशन पर हम रुक रहे हैं यहाँ जीबी में, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। नाइट व्यू भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जीबी में सबसे पहला स्थान जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है जीबी वाटरफॉल, जिसका जीबी सेंटर से डिस्टेंस लगभग 800 मीटर का, और मेन रोड से अगर आप देखेंगे तो ये मेन रोड है, मेन रोड से एक साइड में रास्ता फटता है जहाँ से जीबी वाटरफॉल सिर्फ 100 मीटर रह जाता है। यहाँ तक आप अपना व्हीकल भी ला सकते हैं, और चाहें तो ऊपर भी जाता है, लेकिन ऊपर रास्ता थोड़ा सकड़ा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर व्हीकल कहीं पार्क कर सकते हैं, और फिर 100 मीटर की जस्ट चढ़ाई रह जाती है। ट्रैकिंग करने वाला रास्ता सिर्फ 100 मीटर का है, और ऊपर की ओर हमें जाना होता है जीबी वाटरफॉल के लिए। जीबी वाटरफॉल के लिए जब हम ट्रैक करते हैं तो रास्ते में कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आता है, जिसमें कि आपको खूबसूरत सा वैली व्यू नज़र आएगा और काफ़ी सारी हरियाली नज़र आएगी। तो अब हम जीबी वाटरफॉल के काफ़ी करीब आ चुके हैं। वाटरफॉल जाने के लिए इस तरह का एक गेट आता है बीच में, और इस गेट को क्रॉस करते हुए हमें अंदर की ओर जाना होता है। जीबी वाटरफॉल जाते वक्त जो ट्रैक है वो काफ़ी खूबसूरत है। कुछ छोटे छोटे ब्रिजेस आते हैं यहाँ पर, और इस तरह की ट्रैकिंग करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। जब आप जीबी वाटरफॉल आएंगे तो ये नज़ारा आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अब इस खूबसूरत रास्ते से ट्रैक करते हुए हम पहुंच चुके हैं जीबी वाटरफॉल के काफ़ी करीब, और ये वाटरफॉल दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नेचुरल शावर हो। जीबी वाटरफॉल कपल्स के लिए, बैचलर्स के लिए और फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ बैठकर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट भी है, तो अच्छे पिक्चर्स भी आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ की सराउंडिंग भी आप देखेंगे तो टोटली ग्रीनिश है, यानी कि पूरा का पूरा वातावरण ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो जब आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव होगा। वाटरफॉल के थोड़ा सा ऊपर चढ़ के देखें तो एक रेनबो नज़र आ रहा है, ये है रेनबो, ये है। जीबी में एक बहुत खूबसूरत स्थान है जिसे अब हम देखने आ चुके हैं, इसका नाम है कुली कतांदी, इसे मिनी थाईलैंड कहा जाता है।
इसके अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये जीबी सेंटर से पास में ही है, लेकिन जब आप गूगल मैप का यूज़ करके यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो मे बी शायद ये जगह आपको ना मिले, लेकिन आप लोकल से जब पूछेंगे तो आपको ये जगह मिल जाती है। तो थोड़ा सा इसके लिए नीचे की ओर ट्रैक करते हुए जाना होता है, ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, लेकिन नीचे चलते हैं और फिर वहां से नज़ारा देखेंगे मिनी थाईलैंड का। मिनी थाईलैंड तक जाने के लिए जब आप नीचे उतरेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा बहुत सारे रास्ते हैं कहाँ जाना चाहिए। तो ये इस तरह की कुछ शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर, अभी खुली तो नहीं है लेकिन इस तरह की शॉप्स हैं। शॉप से एक पतला रास्ता जाता है जिससे आपको आगे बढ़ते हुए चलना होता है। तो अभी हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जो कि मिनी थाईलैंड घूमने आए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर एक्सपीरियंस कैसा? एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ऑफ बीट है, बहुत कम लोग आते हैं जी। नीचे उतरना थोड़ा डिफिकल्ट है तो काफ़ी कम ही लोग आते हैं। ओके। बट वहाँ पे बैठ के जो शांति है, वाइब्स है, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। अच्छा। बढ़िया है, मतलब अच्छा लगा एक्सपीरियंस। हाँ, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मिनी थाईलैंड तक पहुंचने के लिए जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो रास्ते में कुछ इस तरह का नज़ारा आपको नज़र आएगा जिसमें कि एक वाटर फ्लो है जो कि आपको नज़र आएगा। यहाँ पर भी आप बैठ कर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अब इस काफ़ी खूबसूरत ट्रैक को करते हुए हम पहुंच चुके हैं मिनी थाईलैंड के मेन स्पॉट पर। यहाँ एक्चुअल में बाहर से देखेंगे तो आपको नॉर्मल से ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर आते हैं मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा कि मिनी थाईलैंड दिखता कैसा है। थाईलैंड में एक्चुअल में इस तरह के रॉक शेप्स आपको काफ़ी मिलेंगे और आप यहाँ आएंगे तो इस तरह का व्यू आपको नज़र आएगा जो कि प्योर थाईलैंड व्यू है। थाईलैंड में जब आप जाते हैं तो इसी तरह के दो बड़े रॉक्स और उसके बीच में से पानी बहता हुआ आपको नज़र आता है, तो इसी वजह से इस स्थान का नाम मिनी थाईलैंड दिया गया है क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े रॉक्स हैं जिनके बीच में से इस तरह का व्यू नज़र आता है, लेकिन यहाँ थोड़े छोटे हैं लेकिन जो व्यू है वो थाईलैंड वाला ही इस जगह मिलता है। तो ये जगह काफ़ी अच्छी है, मैं थोड़ा और दिखाना चाहूँगा आपको इसको क्लोजअप में। तो अब मैं मिनी थाईलैंड के मेन व्यू पॉइंट पर खड़ा हूँ और ये जगह काफ़ी ब्यूटीफुल है क्योंकि पानी काफ़ी साफ़ है। जैसा कि थाईलैंड में आप देखते हैं इस तरह का पानी बिल्कुल साफ़ रहता है, उसी तरह का साफ़ पानी है और ये जगह कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता और कपल्स यहाँ बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है, फोटोजेनिक भी है क्योंकि आप इससे थोड़ा सा पीछे होके जब फ़ोटोज़ लेते हैं तो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ भी आप क्लिक कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि आप थाईलैंड में आ चुके हैं। मिनी थाईलैंड के थोड़ा सा दूसरी साइड में इस तरह का एक पेड़ रखा हुआ है जिस पर आप बैठ सकते हैं और काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। दूर से आप देखेंगे तो वाटर फ्लो काफ़ी अच्छा नज़र आएगा और दूसरी साइड भी काफ़ी अच्छा वाटर फ्लो है जो कि मिनी थाईलैंड से भी नज़र आता है और ये एक अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर आप यहाँ टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं तो बैठ कर काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। मिनी थाईलैंड में हमें कुछ टूरिस्ट नज़र आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्हें मिनी थाईलैंड का एक्सपीरियंस कैसा लगा। मैम आप बताना चाहेंगे कुछ कैसा लगा आपको? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, बस पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अच्छा, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड, ऑल वाज गुड। और पिक्चर व्यू तो अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू। हाँ। पिक्चर्स भी हमने बहुत सारी ली हैं। अच्छा। और आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, बहुत अच्छा है। सर आपका इस जगह को आपको पता ही होगा, इसे मिनी थाईलैंड कहते हैं ना, और इस एरिया को देख के और यहाँ पे थोड़ा फील आता है जी, है ना। थाईलैंड अगर आप गए हो, अगर नहीं है गए तो एक होता है मिनी बजटेड में आपको थाईलैंड घूमना, यहाँ पे आप आ सकते हो, है ना, यहाँ पे आ सकते हो। बाकी व्यू बहुत अच्छा है, पानी बहुत ठंडा है, टेम्परेचर भी है क्योंकि सर्दियों का टाइम भी आ रहा है तो टेम्परेचर ठंडा है, व्यू काफ़ी अच्छा है। उस तरफ भी आप जाएंगे, कपल्स के लिए अच्छा है ना। अगर आप कोई शांति वाली जगह ढूंढ रहे हो, जैसे होता है पीसफुली है क्योंकि आप मनाली कुल्लू जाते रहते हो, बट ये कुछ ऐसी है ज़्यादा सुना भी नहीं। तीर्थन वैली एक ऐसी वैली है, आप लोग आ जा सकते हो। शांति अगर आपने बितानी है दो तीन दिनों के लिए, एक वीकेंड अगर अच्छा वीकेंड आप प्लान कर रहे हो, यू कैन कम टू जी शांति वाली जगह, पीसफुली। थैंक यू। तो अब मिनी थाईलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं जालोरी पास के लिए, जिसका डिस्टेंस जीबी से लगभग 12 किलोमीटर्स का है, यानी कि 12 किलोमीटर का रास्ता पार करके हमें जालोरी पास जाना होता है। ये रास्ता बेहद खूबसूरत है और एडवेंचर से भरा हुआ है। और अब एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा
जीबी की हाइट समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की है और जब हम जालोरी पास पहुंचते हैं तो जालोरी पास की हाइट है लगभग 10000 फीट की और दोनों के बीच में जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का। तो जब हम जीबी से जालोरी पास तक पहुंचते हैं तो हम जीबी की लगभग डबल हाइट पर पहुंच जाते हैं क्योंकि जीबी तो सिर्फ 5000 फीट की ऊंचाई पर है लेकिन जालोरी पास 10000 फीट की ऊंचाई पर है। तो जब हम जीबी से जालोरी पास के लिए जाते हैं तो रास्ता काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाला हमें देखने मिलता है और इस रास्ते पर ड्राइव करते हुए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। एक एक्सपीरियंस ड्राइवर ही इस रास्ते पर ड्राइव कर सकता है क्योंकि रास्ता बहुत ही पतला है और खड़ी चढ़ाई वाला है। तो अब इस एडवेंचरस रास्ते को पार करके हम पहुंच चुके हैं जालोरी पास और मैं यहां से आपको एक व्यू दिखाना चाहूंगा। यहां से आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको माउंटेन रेंज नज़र आएगी और दूर वाले पहाड़ देखेंगे तो वो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं। यहां से मतलब ये इतनी ऊंचाई पर जगह है कि यहां से हम देखें तो एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़ दूसरे के बाद बहुत सारे पहाड़ एक साथ हम देख सकते हैं और जो आखिरी वाले पहाड़ हैं उन पे स्नो भी नज़र आती है। वैसे ये मंथ है अक्टूबर का, जब आप यहाँ दिसंबर से मार्च या अप्रैल तक आते हैं तो बहुत सारी स्नो आप यहाँ देख पाएंगे। हालांकि अभी मैं आपको थोड़ा सा इस जगह का टूर देना चाहूँगा। ये जालोरी पास का बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पर एक मंदिर है काली माँ का। थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको मंदिर में भी दर्शन करेंगे और इस जगह की हाइट बताना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है कि इस जगह की हाइट एक्चुअल में है कितनी। इसकी अगर हाइट अगर फीट में बोलें तो 10,280 फीट की ऊंचाई पर है और अगर मीटर में बोलें तो 3,132 मीटर्स की ऊंचाई पर ये जगह है और ये है काली माँ का मंदिर जहाँ पर अब हम दर्शन करने वाले हैं। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और स्थानीय लोगों की मंदिर में काफ़ी मान्यता है। काली माता मंदिर के पास ही हनुमान जी का मंदिर भी है जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। जालोरी पास से दो स्थान हैं जहां तक ट्रैकिंग करके पहुंचा जा सकता है। पहला तो है सेलोरसर लेक जो कि यहां से इस डायरेक्शन में जाना होता है और ये 5 किलोमीटर का ट्रैक होता है और उसके बाद एक तालाब आता है जिसकी स्थानीय लोगों में काफ़ी मान्यता है और वहाँ पर एक पक्षी भी पाया जाता है जो कि पानी में अगर कोई तिनका भी गिरता है या कुछ लकड़ी गिरती है या पत्ता गिरता है तो आप उठा के साइड में रख देता है और एक तरह से वो तालाब पूरा साफ रहता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। वहाँ पर एक बूढ़ी नागिन मंदिर भी है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जगह यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता है, रास्ता गाड़ी लायक नहीं है। और अगर इस डायरेक्शन में देखें, दूसरी वाली डायरेक्शन में, तो आता है रघुपुर गढ़ यानी कि रघुपुर फोर्ट आता है, लेकिन वो फोर्ट बचा नहीं है। फोर्ट एक तरह से खंडर हो चुका है, सिर्फ पत्थर वगैरह ऐसे नज़र आएंगे, वो एक तरह का व्यू पॉइंट है। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, 3 किलोमीटर का ट्रैक है वहाँ के लिए। तो ये दोनों जगह आप जा सकते हैं लेकिन दोनों स्थान के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं चाहता। तो अगर आप ट्रैकिंग के लिए करना चाहते हैं या ट्रैकिंग आपको पसंद है तो आप जा सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा नहीं जा रहे हैं लेकिन एक 360 पॉइंट है यहाँ पर जो कि 500 मीटर की दूरी पर यानी कि आधा किलोमीटर है, वहाँ जाएंगे और आपको व्यू दिखाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं 360 व्यू पॉइंट के लिए और इसका रास्ता काली माता मंदिर से थोड़ा सा आगे आते हैं, इस तरह से पगडंडी वाला रास्ता जिससे हमें ऊपर की ओर जाना होता है और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ट्रैक होते हुए ये जा रहा है सेलोरसर लेक के लिए। 360 पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कच्चा है और खड़ी चढ़ाई वाला है क्योंकि हमें माउंटेन पे चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। आप वहाँ पीछे पेड़ देख रहे होंगे, उन पेड़ के पीछे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से 360 व्यू आप ले सकते हैं, मतलब इधर के पहाड़ भी दिखेंगे आपको, इधर के पहाड़ भी दिखेंगे, मतलब पूरा का पूरा 360 व्यू आप कवर कर सकते हैं। तो हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे और फिर आपको वहाँ से नज़ारा दिखाते हैं। तो अब अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं गोशेणी विलेज के लिए जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का मुख्य एंट्री गेट माना जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि गोशेणी विलेज पहुँचने के लिए हमें वापस से जीबी पहुँचना पड़ता है। जैसे कि हम जीबी से जालोरी पास के लिए गए थे तो अब जालोरी पास से वापस से हमें रिटर्न जीबी आना पड़ेगा और फिर जीबी से एक रास्ता जाता है
जो कि गुशैणी विलेज के लिए है। तो अब हम वापस से जीबी में पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं गुशैणी विलेज के लिए, लेकिन जीबी का एक खूबसूरत नज़ारा हमारे सामने आया है जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जीबी एक छोटा सा गांव है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन ये जिस लोकेशन पर बसा हुआ है वो देखने में बहुत खूबसूरत है। अब हम आ चुके हैं गौसानी विलेज, जो कि एक छोटा सा गांव है। यहाँ कुछ घर बने हुए हैं, गांव तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से दिखने वाला जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। अभी जिस नदी के किनारे हम खड़े हुए हैं, ये नदी है फलाचन रिवर। जो तीर्थन वैली का नाम रखा गया है वो तो तीर्थन रिवर के नाम पर रखा गया है, जिसे अभी हम देखेंगे, लेकिन ये जो फलाचन रिवर है ये एक अलग रिवर है जो कि गौसानी गांव से के साइड से होते हुए गुजरती है। गौसानी गांव एक तरह से इसके किनारे पर ही बसा हुआ है। और अभी एक वुडन ब्रिज पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ का मैं सीन आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और ये जगह पूरी वैली से भरी हुई है। और जब दिसंबर से लेकर मार्च तक आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको बर्फ़ नज़र आती है। ये जो ग्रीन वाले पहाड़ हैं ये बिल्कुल वाइट कलर के नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी काफ़ी होती है। गौसानी एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह है। अगर आप अपनी दौड़ती भागती ज़िंदगी से, अपने बिजी शेड्यूल से तंग आ चुके हैं तो ये जगह आपको टोटली रिलैक्स कर सकती है, क्योंकि नदी किनारे बैठकर जब आप इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करेंगे तो आपका टोटल स्ट्रेस रिलैक्स हो जाएगा, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और गौसानी सिर्फ इसीलिए नहीं आएंगे आप, यहाँ और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप रिवर क्रॉसिंग की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ आप अगर चाहें तो फ़िशिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राउट नाम की मछली पाई जाती है जिसकी ट्राउट फ़िशिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप माउंटेन्स में चढ़ सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तो है ही सही, जहाँ पर आप जाके कैंपिंग कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप पानी के पास बैठेंगे तो सिर्फ पानी की आवाज़ आएगी, नेचर की आपको आवाज़ आएगी, जिससे कि आपका दिमाग पूरी तरह शांत हो जाएगा। मतलब ये बहुत प्यारी जगह है। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अगर आप परेशान हैं बहुत रोज़ के जो काम हैं अगर उससे थक चुके हैं तो यहाँ आके रिलैक्सेशन करने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तीर्थन वैली में जहाँ हम रुके हैं उस जगह का मैं आपको रूम टूर देना चाहूँगा। ये रूम काफ़ी अच्छा है और इसकी जो अरेंजमेंट वगैरह है वो भी काफ़ी सही है। एक टेलीविज़न साइड में लगा हुआ है और मैं आपको थोड़ा सा बाथरूम एरिया भी दिखाना चाहूँगा इस रूम का, वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। थोड़ा सा अंदर से देखने की कोशिश करते हैं इसे। बाथरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, टॉयलेट वगैरह साफ़ है और रूम में एक गीज़र भी दिया हुआ है, क्योंकि ये जगह काफ़ी ठंडी होती है तो गीज़र की सुविधा दी गई है। तो कुल मिला के अगर रूम को देखा जाए बाहर से भी और अंदर से भी तो रूम काफ़ी अच्छा है और एक काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। तीर्थन वैली में अब हम जा रहे हैं एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट के लिए जो कि है चॉई वाटरफॉल। और इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो गौसानी से ये 4 किलोमीटर दूर है और अगर बंजार से देखें तो बंजार से ये 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ बोर्ड्स पर लिखा हुआ है, माइलस्टोन है एक, और यहाँ एक कैफ़े भी बना हुआ है, चॉई वाटरफॉल कैफ़े। अगर आप यहाँ चाहें तो कुछ फूड ट्राई कर सकते हैं। और जो चॉई वाटरफॉल का रास्ता है वो यहीं से होकर जाता है, एक बोर्ड लगा हुआ है वाइट कलर का, थोड़ा सा दूर है हमसे। यहाँ से सीढ़ियाँ चलते हुए ऊपर की ओर जाना होता है, लगभग आधा घंटे का इसका ट्रैक होता है। वैसे अभी हमको एग्जैक्टली पता है, यहाँ पर लोगों ने बोला कि आधा घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन एक्चुअल चलते हैं और ऊपर से आपको एक्चुअली बताएंगे कि कितना लंबा रास्ता है, कितना टाइम लगता है ऊपर ट्रैक करने के लिए। वाटरफॉल के लिए जो रास्ता जाता है वो इस तरह से घरों के साइड से होकर जाता है, एक छोटा सा गांव टाइप का बनाया हुआ है यहाँ पर। और जो रास्ता है शुरुआत इसकी सीढ़ियों से होती है, कुछ स्टेप्स हमें चढ़ के ऊपर जाना है, फिर आगे जाके थोड़ा कच्चा रास्ता है उसे ट्रैक करते हुए ऊपर जाना होता है। चॉई वाटरफॉल पर ट्रैक करते करते बीच में कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आता है तीर्थन वैली का। इसका नाम तीर्थन वैली तीर्थन नदी के नाम पर है। जो नदी आप नीचे देख पा रहे हैं ये है तीर्थन रिवर और इस घाटी का नाम
तीर्थन घाटी इसी नदी के नाम पर दिया गया है। और तीर्थन वैली में आप देखेंगे तो आपको जगह जगह पर छोटे छोटे इस तरह के गांव नजर आएंगे, जैसे कि आप नीचे की ओर देख पा रहे हैं एक छोटा सा गांव है, और जो दूर गांव आप देख पा रहे हैं वो है गुसैनी जो कि हमने देखा। और इस तरह के छोटे छोटे गाँव पूरी की पूरी वैली में जगह जगह पर बने हुए हैं। चोई वाटरफॉल के ट्रैक के बीच में कुछ घर भी आते हैं, कुछ गांव के लोग यहां भी रहते हैं। चोई वाटरफॉल जाने का जो ट्रैक है उसमें पहले तो ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है, फिर नीचे चढ़ना पड़ता है, और अभी नीचे तो हम आ चुके हैं लेकिन यहां से वापस से ऊपर की तरफ जाना है। वो रास्ता आपको जो नजर आ रहा है उस साइड पे हमें ऊपर चढ़ के जाना है, लेकिन जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल हरियाली से भरपूर। और आप जब यहाँ आएंगे तो आपको अच्छा फील होगा क्योंकि ग्रीनरी के बीच में आकर आप एक तो आपका मन खुश हो जाएगा, दूसरी चीज़ एक अच्छा पिक्चर पॉइंट भी बन जाता है, तो यहाँ आप कुछ अच्छे खासे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। और फिर बाद में जो एक खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता आता है, एक तरह का कच्चा रास्ता है और काफ़ी पतला है। एक साइड तो आपको खाई नज़र आएगी और दूसरी साइड माउंटेन, और ये चढ़ाई वाला रास्ता काफ़ी थका देने वाला है, तो एक वाटर बॉटल अपने साथ ज़रूर रखें। ट्रैक करते हुए हमें यहाँ एक बोर्ड मिला है जिस पर लिखा है चोई झरना, जो कि उधर की साइड है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चोई वाटरफॉल भी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है। चोई वाटरफॉल के ट्रैक से दूसरी साइड देखें तो कुछ खेत नज़र आते हैं, और ये खेत नॉर्मल वाले नहीं, सीढ़ीदार खेत हैं, और कुछ घर भी बने हुए हैं जो लोग यहाँ खेती करते हैं। तो फाइनली अब हम चोई वाटरफॉल के काफ़ी करीब आ चुके हैं, यहाँ से झरना दूर है लेकिन दिखाई दे रहा है। तो वाटरफॉल के अब करीब जाते जा रहे हैं हम, लेकिन रास्ते में ये काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आई है जिसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये ट्रेल काफ़ी खूबसूरत होता जा रहा है और जैसे जैसे वाटरफॉल के पास जाते जा रहे हैं और अच्छा लगता जा रहा है, काफ़ी अच्छा अनुभव है। कुछ लोग और हैं यहाँ पर वाटरफॉल के पास में, लेकिन ये ज़्यादा क्राउडेड प्लेस नहीं है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ नहीं मिलेगी, पर अच्छी जगह है। तो अब हम चोई वाटरफॉल के करीब पहुंच चुके हैं। चोई वाटरफॉल काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, बहुत हाइट है इसकी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी जो फ्लो रेट है वो काफ़ी कम है, पानी कम आ रहा है, लेकिन ये जो चट्टाने यहाँ पर नज़र आ रही है उनका शेप देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा आता है। चोई वाटरफॉल के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों की कुछ धार्मिक मान्यताएँ हैं, इस वजह से यहाँ पर आप गंदगी ना फैलाएं और जो भी प्लास्टिक वगैरह है उसको यहाँ से दूर ही फेंकें, यहाँ ना फेंकें, क्योंकि धार्मिक मान्यता वाली ये प्लेस है। चोई वाटरफॉल पहुँचने के लिए आपको लगभग 40 मिनट का ट्रैक करना पड़ता है, और ये रास्ता लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है। हमें नीचे बोला गया था कि आधा घंटा लगेगा, तो लगभग उसी के आसपास है कि 40 मिनट लगता है, और रास्ता थोड़ा कच्चा है, कहीं सीढ़ियाँ हैं, कहीं आपको चढ़ाई है, हर तरह का ट्रैक आपको इसमें मिलेगा। तो अब तीर्थन वैली के इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम चल रहे हैं रोपा नामक गांव की तरफ, जहां से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ट्रैक शुरू होता है। रोपा एक छोटा सा गांव है जिसका डिस्टेंस गोशैनी से लगभग 2 किलोमीटर का है, जिसे आप बाय वॉक या फिर किसी व्हीकल की सहायता से पार कर सकते हैं, लेकिन ये रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये एक कच्चा रास्ता है। तो अब हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के एंट्री साइट पर पहुंच चुके हैं। ये स्थान रोपा नामक गांव में स्थित है। यहां से ऊपर की ओर हमें ट्रैकिंग करते हुए जाना होता है, जहां से ट्रैकिंग का जो रास्ता है वो लगभग 6 किलोमीटर लंबा है, और जब 6 किलोमीटर का हम ट्रैक करेंगे तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का गेट आता है, एंट्री गेट, और उसके बाद हम और ट्रैक करते हुए आगे जाते हैं। थोड़े बहुत वाटरफॉल टाइप का नज़र आता है, एक रिवर नज़र आती है, और वहाँ पर हम कैंपिंग कर सकते हैं, एक तरह की कैंपिंग साइट है। वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, अदरवाइज ऐसी मस्ट टू विजिट वाली प्लेस वो नहीं है। तीर्थन वैली में दो और प्रमुख स्थान हैं जिन्हें आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं।
एक तो चैनी कोठी और दूसरा है श्रृंग ऋषि टेम्पल। चैनी कोठी एक पुरानी बिल्डिंग टाइप की है जिसे आप बाहर से देख सकते हैं, इसमें आपको पुराना आर्किटेक्चर नजर आएगा। और इन स्थानों की अगर लोकेशन की बात करें तो इन स्थानों का एक अलग रास्ता है, एक सेपरेट रास्ता इनका फटता है। जब हम जीबी से गुशैणी जाते हैं तो जीबी से लगभग 4 किलोमीटर पार करने के बाद एक रास्ता फटता है जो कि जाता है चैनी कोठी और श्रृंग ऋषि टेम्पल के लिए। तो अगर आप चाहें तो इन स्थानों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब जीबी में रात्रि हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाइट व्यू जीबी तीर्थन वैली का। आप हमारे पीछे देखेंगे तो आपको कई सारी लाइट्स नजर आएंगे और ये सारी लाइट्स घर हैं और ये सारे घर इस तीर्थन वैली में बने हुए हैं। जब रात को हम इस नज़ारे को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे हों। तो अब तीर्थन वैली को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं सैंज वैली के लिए, जो कि एक बेहद खूबसूरत घाटी है, लेकिन अक्सर टूरिस्ट को इस जगह के बारे में पता नहीं होता क्योंकि एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है। इसके अगर डिस्टेंस की बात करें तो जीबी से सैंज वैली का डिस्टेंस लगभग 40 से 50 किलोमीटर का है और सैंज वैली का नाम सैंज रिवर के नाम से पड़ा है क्योंकि इस पूरी घाटी से, इस पूरी वैली से सैंज रिवर फ्लो करती है। इस पूरी वैली में कई सारे छोटे छोटे गांव हैं और उनमें से एक गांव सैंज विलेज भी है। जब हम सैंज वैली में प्रवेश करते हैं तो हमें एक साइड पहाड़ और दूसरी साइड नदी नजर आती है जिसका नज़ारा वाकई में देखने लायक होता है। सैंज वैली में ही एक खूबसूरत डैम है जहां से बिजली उत्पादन किया जाता है। तो अब घाटी के इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम चल रहे हैं सैंज वैली के एक बेहद रमणीय स्थान की ओर जिसका नाम है शांगण, जो कि धार्मिक रूप से तो इम्पोर्टेंस रखता ही है, लेकिन इस स्थान से दिखने वाला नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत है। शांगण तक पहुँचने के लिए जिन रास्तों को हमें फॉलो करके आगे बढ़ना होता है वे रास्ते काफ़ी ज़्यादा पतले, घुमावदार और खड़ी चढ़ाई के साथ हैं। इन रास्तों पर एक एक्सपीरियंस ड्राइवर ही ड्राइव कर सकता है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए यहाँ पर ड्राइव करना बेहद मुश्किल है। शांगण तक पहुँचने से पहले बीच में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रोपा, और रोपा में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्टे फैसिलिटी जहां अगर आप चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं सैंज वैली के एक बहुत ही खूबसूरत स्थान पर जिसका नाम है शांगण, और ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर एक बहुत लंबा ग्रासलैंड है और उस ग्रासलैंड से जो व्यू नज़र आता है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं। तो अब शांगण के मशहूर मैदान में हम पहुंच चुके हैं। ये पूरा का पूरा ग्रासलैंड एरिया है। यहाँ से वहाँ तक हम देखेंगे तो पूरी की पूरी हमें ग्रासलैंड ही नज़र आएगा, दूर देखेंगे तो पेड़ नज़र आएंगे। इस जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। वैसे एक जो प्लेस है उसे भी मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, उसका नाम है खजियार और वो डलहौजी में है। इसे सेकेंड मिनी स्विट्ज़रलैंड हम कह सकते हैं क्योंकि आप दूर देखेंगे तो आपको घर नज़र आएंगे कुछ, और ऊपर देखेंगे तो बादल नज़र आएंगे, और ये पूरा एरिया क्लाउड से घिरा हुआ है और साथ ही पूरा पहाड़ियों वाला एक सीन क्रिएट करता है जो कि स्विट्जरलैंड में अक्सर देखने मिलता है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस घास के मैदान के साथ में ही आप जो गांव देख रहे हैं, जो कई सारे घर बने हुए हैं, यही एक गांव है जिसका नाम है सांगण, और इसी वजह से इस घास के मैदान को सांगण का मैदान भी कहते हैं और हिमालयन नेशनल पार्क का एक पार्ट भी है। और जैसा कि हमने देखा कि इस जगह तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाला है और काफ़ी दुर्गम रास्ता है क्योंकि नीचे तो खाई रहती है, ऊपर की तरफ पहाड़ रहता है। तो इसी वजह से ये जो जगह है एक तरह से टॉप मोस्ट सिरे पर है एक पहाड़ के, और दूर देखेंगे तो बादल ही बादल नज़र आएंगे। और जब हम दिसंबर से लेकर के मार्च या अप्रैल के महीने में यहाँ आते हैं तो दूर पहाड़ों पर आपको बर्फ जमी हुई नज़र आएगी। शांगण के घास के मैदान में ही एक शिव मंदिर है जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। स्थानीय लोगों की इस मंदिर में काफ़ी मान्यता है। इस स्थान के बारे में एक लोक कथा भी कही जाती है
कि पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, इस वजह से भी ये स्थान धार्मिक रूप से इम्पोर्टेंस रखता है। वैसे तो इस मंदिर को महादेव का मंदिर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान हैं, जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। शांगण की अगर हाइट की बात करें तो इस स्थान की हाइट समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की है, तो जब भी आप यहाँ आएंगे आपको थोड़ा ठंड का अनुभव यहाँ पर जरूर होगा। इसी ग्रासलैंड के पास ही है भारशांगण वाटरफॉल, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है इसी रास्ते पर, तो अगर आप चाहें तो इस वाटरफॉल के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और थोड़ा सा ही मौसम खुला है, लेकिन बादल पूरी तरह घेर चुके हैं इस एरिया को, तो हम उस एरिया पर नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फॉल का जो फ्लो है वो भी बढ़ सकता है और बारिश की वजह से चिकनाई बढ़ने की वजह से हम वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रिप बीड़ बिलिंग तीर्थन वैली जीबी और सैंज वैली का, जिसका ड्यूरेशन था 4 नाइट 5 डेज का। और ये सभी जगह घूमने के लिए हमने एक ट्रैवल पैकेज बुक किया था प्रिया ट्रेवल्स के साथ, जिन्होंने सारी सुविधाएं इस जगह के लिए हमें प्रोवाइड की थी। हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इसी में इंक्लूडेड थी, फूड और जो स्टे फैसिलिटी थी वो भी इस पैकेज में ही इंक्लूडेड थी। और अगर इस पैकेज के कॉस्ट की बात करें तो ये पैकेज हमें पड़ा था 11,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और हम 4 मेंबर्स थे इस ट्रिप के दौरान। लेकिन अगर आप 4 व्यक्ति से कम आते हैं तो थोड़ा बहुत कॉस्ट आपके लिए वेरी कर सकता है। लेकिन एक फ़ायदे की बात बताना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना पैकेज आपको सस्ता पड़ेगा। अभी हमारे साथ प्रिया ट्रेवल्स के ओनर्स ही हैं खतीजा मैम और विशु सर, इनके साथ भी आप चाहें तो ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपने ट्रैवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो जो पैकेज हमने बुक किया था उसके अलावा भी प्रिया ट्रेवल्स और कई सारे पैकेजेस ऑफर करते हैं, तो अब मैं मैम से जानना चाहूँगा कि वो पैकेजेस कौन से हैं और किन किन लोकेशंस के लिए हैं। तो ये पैकेज के अलावा हमारे पास हिमाचल के और भी कई सारे डेस्टिनेशंस के हैं, जैसे अमृतसर डलहौजी धर्मशाला हो गया, शिमला मनाली या फिर मनाली कसौल, और कश्मीर गोवा राजस्थान केरला दार्जिलिंग। सो इन ऑल डोमेस्टिक पैकेजेस सारे ही हमारे पास, और ये कस्टमाइज पैकेजेस अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। जैसे क्लाइंट को जितने दिन का पैकेज चाहिए, जो होटल कैटेगरी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये पैकेजेस कस्टमाइज हो जाते हैं। ओके मैम, तो ये था हमारा ट्रिप बीड़ बिलिंग तीर्थन वैली और सैंज वैली का। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।